वक्त है दिन की 20 बड़ी खबरों को दिखाने का। हर दोपहर 1:30 बजे हम आपको दिन भर की 20 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। ये ऐसी खबरें होती हैं जिनकी तस्वीरें आपको जरूर चौंकाएंगी। शुरू करते हैं तस्वीर 2020। मुंबई के वर्सोवा की एक इमारत में आग से बड़ा नुकसान हुआ है। जेपी रोड के पास एक बंगले में ये आग लगी है। आग की वजह से बंगले का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली पुलिस ने लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया। लुटेरे बाइक पर गांव से दिल्ली आते और वारदात करके फरार हो जाते। रास्ते पर चल रहे लोगों से पता पूछते और उनसे लूटपाट करते। पुलिस ने मोबाइल कैश जब्त किया है। वेनेजुएला की राजधानी में पुलिस और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। विपक्षी पार्टियों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस पर पत्थर फेंके हैं और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने सरकार पर विरोध करने वालों की हत्या का आरोप लगाया। आजमगढ़ में ज्वेलरी की दुकान में लुटेरों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। नकदी लूटकर फरार हो गए। दुकान में उस वक्त कई ग्राहक थे लेकिन किसी ने लुटेरों का विरोध करने की कोशिश नहीं की। बदमाशों ने कारोबारी की पिटाई की। वाराणसी में मां बेटी ने पुलिस थाने में हंगामा कर दिया। महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की और पुलिस वालों को गाली दी। पुलिस वालों ने महिला को समझाने की कोशिश की लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामले विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। लाठी और डंडों से मारपीट हुई। हालात बिगड़ते हुए पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। हंगामे की वजह से बाजार को बंद करना पड़ा। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी विधायक की शर्मनाक हरकत। जलते घरों के बीच विधायक ने ली सेल्फी। बीजेपी विधायक बच्चू सिंह आग बुझाने में लोगों की मदद करने की बजाय जलते घरों के साथ सेल्फी लेने लगे और कुछ देर बाद इसे फेसबुक पेज पर पोस्ट भी कर दिया। होशंगाबाद में नेशनल हाईवे 69 पर लाल मिर्च से भरे ट्रक में आग लग गई। बगदेव के जंगल के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैसूर में जनता दल सेकुलर के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हंगामा किया। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोगों को चोट आई। लुधियाना में एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने में लगे फायर ब्रिगेड के 5 लोग घायल हो गए। सुबह 7 बजे फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में छात्रों को स्कूल में शराब पीते पकड़ा गया। एक लड़का और लड़की स्कूल में ही शराब पीते नजर आए। दूसरे छात्र ने इसका वीडियो बना लिया। स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कैलिफोर्निया में प्लेन से उतरते वक्त 2 यात्रियों में मारपीट हो गई। महिला का आरोप है कि प्लेन में एक यात्री ने उससे छेड़खानी की। क्रू मेंबर ने झगड़ा कर रहे पैसेंजर को अलग कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राजनीति से दूर बर्फ पर हॉकी का लुत्फ उठाया। पुतिन की टीम ने मुकाबले में वो 17-6 से जीत लिया। मुकाबले में रूस के रक्षा मंत्री और कई बड़े व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया। चीन में एक एसयूवी नीचे फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए आम लोग आगे आए। हादसा फुयांग सिटी में हुआ जहां एक व्यक्ति शराब के नशे में जमीन पर पड़ा था। उसी दौरान एक कार ड्राइवर को वो नहीं दिखा और कार के नीचे आ गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में मेन गेट पर एक व्यक्ति ने कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया। व्यक्ति का आरोप है कि वो 2 साल से अथॉरिटी के चक्कर लगा रहा था लेकिन उसके 47 लाख रुपए उसे नहीं मिले, ना ही उसे फ्लैट का पोजेशन मिला। चीन ने अंतरिक्ष में पौधे लगाने के लिए प्रयोग शुरू कर दिए। इसके लिए लूनर पैलेस नाम का सिमुलेशन तैयार किया गया है और वॉलंटियर को भी बुलाया गया है। चीन में यह प्रयोग चंद्रमा पर होगा। श्रीलंका के कोलंबो में वेसक त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर कई तरह की रोशनी की जाती है और शहर को लालटेन से सजाया जाता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक किसान सूखे कुएं में आंदोलन कर रहा है। बैंक से किसान ने कर्ज लिया था और अब कर्ज की रकम इतनी ज्यादा हो गई कि वो चुका नहीं पा रहा है। किसान के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हो गए। न्यूयॉर्क में चॉकलेट म्यूजियम की शुरुआत की गई है जिसमें पुराने जमाने में चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लोगों को चॉकलेट बीन से चॉकलेट कैसे बनाई जाती है दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। हादसा देवमनी नदी के किनारे हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथी अक्सर इस इलाके से ट्रेन को ट्रैक को पार कर दूसरी ओर जाते हैं। बावजूद इसके ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी।